ठीक है, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस समझना। ठीक है, कॉल बाई वैल्यू यहाँ पे बोल रहे हैं और कॉल बाई रेफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होते हैं फंक्शन कॉल के। ठीक है, फर्स्ट होता है कॉल बाई वैल्यू, जिसमें ओरिजिनल वैल्यू पास होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, ओरिजिनल वैल्यू पास होगी, आया समझ में। सेकंड होता है कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें उस वैल्यू का एड्रेस पास होगा, आया समझ में। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पास होगी, कॉल बाय रेफरेंस में उस वैल्यू का एड्रेस पास होगा। ठीक, क्या समझ में आया। देखो देर आर टू मेथड्स टू पास द डेटा इन टू द फंक्शन इन सी लैंग्वेज, दैट इज कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है, दो मेथड है फंक्शन कॉल करने के। ठीक है, जो फंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, हमने देखा फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग आर्गूमेंट्स दे रहे थे, ठीक है, आर्गूमेंट्स जब हम लोग दे रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे थे, वहाँ वेरिएबल पास कर रहे थे, याद आया। फंक्शन के जब कॉल करते तो ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी ऐसे लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब वो देखते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू किसमें मॉडिफाई होगी। ठीक है, अगर हम लोग कॉल बाई वैल्यू यूज करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू कभी भी मॉडिफाई नहीं होगी। ठीक है, कभी भी मॉडिफाई नहीं होगी, मतलब हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉल बाई रेफरेंस यूज करते हैं तब हम लोग इस ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो हम लोग पहले से वेरिएबल बना के रखे हैं और उसी वेरिएबल को हम लोग पास कर रहे हैं कहाँ पे, पैरामीटर में। ठीक है, अब सेम वैल्यू को हम लोग किस में कॉपी करते हैं, जहाँ फंक्शन डेफिनेशन होता है वहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल। वहाँ पे कॉलिंग वाले फंक्शन में जो वेरिएबल में पास वेरिएबल पास करते हैं उसके हम लोग कॉपी बनाते हैं यहाँ पे, तो वो वैल्यू तो ओरिजिनल वैसे का वैसे ही है। ठीक है, उसका कॉपी किस में हुआ, फंक्शन डेफिनेशन पे कॉपी हुआ। ठीक है, तो वो वैल्यू में कभी भी चेंजेस होगा ही नहीं, उसने एक वैल्यू एक्सेप्ट किया और उसने किसको दे दिया, फंक्शन को दे दिया, फंक्शन ने उस वैल्यू को कॉपी किया, फंक्शन ने उस वैल्यू को कॉपी किया और उस कॉपी वाली वैल्यू को यूज करके उसने जो मॉडिफिकेशन करना है वो करेगा। ठीक है, लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस की बात होती है तो ओरिजिनल वैल्यू का ही यहाँ पे एड्रेस पास होता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस पास होगा। ठीक है, इस एड्रेस का क्या मतलब है कि हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक ही वेरिएबल बनाए हैं और उसी वेरिएबल को हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं। अब उसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, एड्रेस के थ्रू। ठीक है, मैंने बताया था कि हर एक वेरिएबल का एड्रेस होता है, जानते हो, जब हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे बनता है, रैम पे बनता है। ठीक है, रैम पे बनता है, तो रैम का एड्रेस होता है, क्या होता है, एड्रेस होता है। तो जितने वेरिएबल बनेंगे, जैसे कि वेरिएबल ए बना, ठीक है, वेरिएबल बी बना, ठीक है, सी डी, जितने भी वेरिएबल यहाँ पे बनेंगे सबका एक एड्रेस होगा। ठीक है, अगर मान के चलो ए इक्वल टू 10 है, ए इक्वल टू 10 मैंने ले लिया, ठीक है, और बी इक्वल टू 20 है, ठीक है, एज्यूम कर लो बस ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 है। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लेता हूँ, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये 10 वैल्यू कहाँ पे है, इस ए के अंदर है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये बी किस में है, ये बी के अंदर में है, तो ये दोनों क्या है, मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, जब वेरिएबल बनता है तो वैसे ही एक मेमोरी में जाके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये 10 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है,
अगर मैं वैल्यू पास करता हूँ तो डायरेक्ट ही वैल्यू पे मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर हम लोग फंक्शन कॉल में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? कॉपी बनेगा। क्या बनेगा? कॉपी बनेगा, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू वैसा का वैसा ही होगा। आया समझ में? ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस लोकेशन का एड्रेस पास करते हैं, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पास करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू, इसके अंदर कौन सी वैल्यू उसको नहीं पता है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है? एड्रेस पता है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी फ्रेंड को बोले या फिर कोई भी परिचित है हमारे, उसको बोल दे कि ये आदमी है, ठीक है, उसका नाम ये है, इससे जाके मिल लेना, ठीक है। अब वो उस आदमी को जानता होगा, ठीक है, उसने क्या किया? डायरेक्ट उस आदमी से कांटेक्ट किया। लेकिन अगर हम लोग उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या देंगे? उसका एड्रेस देंगे, ठीक है, ये एड्रेस है, वहाँ चले जाना, जो मिलेगा उसको कुछ सामान दे देना, यही होता है ना। तो यहाँ कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा है? एड्रेस मिल रहा है, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। कॉल बाय वैल्यू में कभी भी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर कभी भी चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका फंक्शन डेफिनेशन के समय कॉपी बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपी बन रहा है। अगर कॉपी नहीं बन रहा होता तब वो मॉडिफिकेशन कर सकता था, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग डायरेक्ट ही एड्रेस दे रहे हैं। एड्रेस देने से क्या होगा? अब इसके अंदर क्या वैल्यू हमको नहीं पता है, वो फंक्शन को भी नहीं पता है ना। हम लोग क्या किए? वहाँ डायरेक्ट एड्रेस पास किए, वो डायरेक्ट इस एड्रेस लोकेशन पे चले जाएगा। वो वैल्यू के पास नहीं जा रहा है, वो किसके पास जा रहा है? एड्रेस के पास जा रहा है। एड्रेस के पास गया, वहाँ पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस किया, मॉडिफाई करके वापस से स्टोर कर दिया वहीं पे, ठीक है। एड्रेस में गया, वैल्यू को एक्सेस किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया और वापस वहीं पे स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग को दो वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग सिंगल मेमोरी लोकेशन से ही सारा काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है? दो वेरिएबल बनाना पड़ता है, ठीक है, एक ये जो हम लोग फंक्शन कॉल के समय पे यूज़ करेंगे और दूसरा फंक्शन डेफिनेशन के समय पे यूज़ करेंगे, ठीक है। आया समझ में? बस इसी चीज़ को अगर समझ गए तो आगे के टॉपिक पूरा समझ जाओगे, ठीक है। चलो वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। क्या हो रहा है? एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी होगी फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? सॉरी, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है? जो फंक्शन कॉल के समय पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कहाँ कॉपी हो रही है? फॉर्मल पैरामीटर में, जो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन के समय पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हम लोग फॉर्मल पैरामीटर से एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर में वेरिएबल अलग है और एक्चुअल पैरामीटर में वेरिएबल अलग है। एक्चुअल पैरामीटर का ही कॉपी हुआ है कहाँ? फॉर्मल पैरामीटर है। दोनों अलग अलग है, मेमोरी लोकेशन ही अलग है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट है, इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल पैरामीटर को मेमोरी अलग मिलेगा और फॉर्मल पैरामीटर को मेमोरी अलग मिलेगा। मतलब अगर नेम भी सेम है मान के चलो दोनों का, लेकिन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। अब इसका और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक मैंने फाइल बना लिया, ठीक है, यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए बी सी नाम दे दिया, ठीक है, और मैंने इसके अंदर यहाँ पे
कुछ भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो मैं लिख देता हूँ डेमो वन, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और एक कॉपी बनाता हूँ इसका, ठीक है। ये ओरिजिनल फाइल है अभी, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिनल फाइल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, कॉपी बन गया, ठीक है। इसको ऐसा समझो, ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर को कॉपी क्या बन गया, फॉर्मल पैरामीटर बन गया, ठीक है। अब मैं इसमें चेंजेस करूँगा, मैं यहाँ डेमो टू कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया। अब मैं ओरिजिनल फाइल पे देखता हूँ, ओरिजिनल फाइल में तो डेटा वही है, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं कॉपी ना करके डायरेक्ट यही फाइल को पास करूँ, मीन्स मैं किसका एड्रेस पास करूँगा, इस फाइल का एड्रेस पास कर दूँगा। अभी इसका एड्रेस कहाँ पे है देखते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये उसका लोकेशन है, ठीक है। ये एड्रेस लोकेशन है उसका, दिख रहा है। अगर मैं इस फाइल को पास ना करके मैं डायरेक्ट एड्रेस पास करता हूँ, ठीक है, तो वो किस में चेंजेस करेगा, ओरिजिनल फाइल पे ही चेंजेस करेगा, क्योंकि उसका कॉपी बना ही नहीं है। आया समझ में, कॉपी बना ही नहीं है, तो डायरेक्ट ओरिजिनल फाइल पे ही चेंजेस करेगा और हर बार इसको अपडेट करते जाएगा। जब जब मॉडिफिकेशन हम लोग करना चाहे, हम लोग ओरिजिनल फाइल पे या फिर ओरिजिनल डेटा पे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो वापस हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज इन द फंक्शन कॉल वेयर एज फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। इज द आर्गुमेंट विच इज यूज टू द फंक्शन डेफिनेशन, ये तो पता ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना कि इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया, सॉरी डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, void change, और यहाँ पे एक पैरामीटर हमने दिया, ठीक है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। डिक्लेरेशन के समय पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, यहाँ पे उसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब डिफाइन करते समय हमने सेम सिग्नेचर यूज़ किया, void change, और यहाँ पे दे दिया int num, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक printf लगा के प्रिंट किया, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन num इक्वल टू परसेंट डी, और num की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, num की वैल्यू क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस num में हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे num इक्वल टू num प्लस 100, ठीक है, num इक्वल टू num प्लस 100 कर दिए, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू होगी num की उसमें हम लोग 100 ऐड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट किए, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन num इक्वल टू परसेंट डी, और num की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर दिए, मतलब बिफोर और आफ्टर, ठीक है। num की वैल्यू क्या होगी ऐड करने से पहले और एडिशन के बाद में, दोनों हम लोग प्रिंट कर लिए, ठीक है। समझ में आया फंक्शन क्या कर रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन पे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 100, ठीक है, इंटीजर x इक्वल टू 100, हम लोग 100 से इसको इनिशलाइज कर दिए, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 100 है, x की वैल्यू 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने printf लगाया और यहाँ पे बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू परसेंट डी, और x की वैल्यू हमने प्रिंट किया, अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 100 है, तो क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया चेंज, ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया है उसको हमने कॉल किया, और यहाँ क्या पास किया, x पास किया, ठीक है। ये x की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, इस num में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो रहा है, इस x की वैल्यू कहाँ कॉपी हो रही है, num में कॉपी हो रही है, ठीक है, कॉपी हो रही है। x की वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी, ये 100 वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो गया, ठीक है। कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा, अब फंक्शन डेफिनेशन की तरफ चले गया, ठीक है।
अब यहाँ प्रिंट करेगा बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, ठीक है। तो नम के अंदर अभी क्या है, क्या है 100 है, तो क्या प्रिंट करेगा 100 प्रिंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे नम इक्वल टू नम प्लस 100 हमने कर दिया, तो नम की वैल्यू क्या थी 100 थी, ठीक है। अब क्या हो गई 200 हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट करेगा, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 200, ठीक है। अब वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है, और तो कोई स्टेटमेंट है नहीं इसमें, ठीक है। वापस कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करें एक्स की वैल्यू, अब बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ठीक है। कंट्रोल कहाँ पे गया, वॉइड चेंज में गया, एक्स की वैल्यू कॉपी हो गई नम में, नम में कॉपी हो गई, फिर क्या प्रिंट करेगा, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी, अब यहाँ पे 100 वैल्यू प्रिंट होगी, मीन्स नम इक्वल टू 100, ठीक है। अब उसके बाद नम में हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या मॉडिफाई किए, नम इक्वल टू नम प्लस 100, जो भी वैल्यू नम की थी उसमें हम लोग 100 ऐड कर दिए, नम की वैल्यू क्या थी 100 थी, 100 प्लस 100 कितना होगा 200 हो गया, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा 200। अब नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे प्रिंट करेगा आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे प्रिंट करेगा 200, तो यहाँ पे देख सकते हो 200 प्रिंट हुआ है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ये वाला लाइन, ठीक है, जो फंक्शन डेफिनेशन था उसके सारे लाइंस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, वापस कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट करेगा आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 100 ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, आया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कॉल बाई वैल्यू का यूज करते हैं और हम लोग फंक्शन कॉल में वैल्यू को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, void swap, ठीक है, और दो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे लेंगे int comma int, ठीक है, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है और दोनों स्पेसिफाई हम लोग यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे इस void swap नाम के फंक्शन पे, यहाँ पे दो पैरामीटर हमने लिया int a और int b, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम लॉजिक अभी जो डिस्कस किया सेम यहाँ पे लगाया है सर, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया temp, ठीक है, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो इस टेम्प्रेरी वेरिएबल में हम लोग कुछ भी नहीं डाले हैं, वो खाली है अभी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू किस में डाल देंगे, अब temp में डाल दिए, ठीक है, a खाली हो गया, a क्या हुआ खाली हो गया, ठीक है। अब a खाली है, उसमें हम लोग किसकी वैल्यू डाल दिए, b की वैल्यू डाल दिए, ठीक है। अब b खाली हो गया, ठीक है, b में हम लोग किसकी वैल्यू डाल देंगे, temp की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई, और लास्ट में हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, जो भी a और b की वैल्यू एक्सचेंज होने के बाद होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन पे, यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट वेरिएबल ले लिया int a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है। प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज इन मेन a इक्वल टू परसेंट d, b इक्वल टू परसेंट d, और यहाँ a और b को हमने प्रिंट कर दिया। तो कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, a की वैल्यू 10 प्रिंट होगी और b की वैल्यू 20 प्रिंट होगी। अब हमने क्या किया, स्वैप को कॉल किया है, स्वैप को हमने कॉल कर लिया, और यहाँ पे किस किस की वैल्यू पास किया, a और b की वैल्यू, a में है 10, b में है 20। अब यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे चले जाएगा फंक्शन डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। a की वैल्यू कॉपी कहाँ होगी, इस a में, ये b की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, इस b में, ठीक है, कॉपी हो गई। अब a की वैल्यू क्या है,
10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आते हैं, टेम्प्रेरी के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, टेम्प के अंदर कुछ नहीं है, वो खाली है। तो हमने ए की वैल्यू किस में डाल दिया, टेम्प में डाल दिया, ए खाली हो गया, ठीक है, ए खाली हो गया। अब ए के अंदर हमने बी डाल दिया, बी की जो वैल्यू थी, बी के अंदर क्या था 20 था, 20 अब वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, ए में असाइन हो गया, ठीक है, बी खाली है। अब बी में हम लोग टेम्प की वैल्यू को असाइन कर देंगे, टेम्प में क्या था ए था, ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो 10 वैल्यू अब किसके पास आ जाएगी, बी के पास आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करेगा आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन ए इक्वल टू परसेंट डी, बी इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, और ए बी यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो क्या प्रिंट होगा, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10। ओरिजिनल वैल्यू में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन मेन ए इक्वल टू परसेंट डी, बी इक्वल टू परसेंट डी, तो क्या वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे मेन में इस वेरिएबल पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, आया समझ में, मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुआ, इस फंक्शन के अंदर में ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, लोकल वेरिएबल था, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर में ही एक्सेस किया जा सकता है, इसके बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा, आया समझ में। तो इसका मेमोरी लोकेशन अलग है और ये वाले वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन अलग है, ठीक है, दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन हो रहा है, एक मेमोरी लोकेशन का वैल्यू कॉपी हो रहा है दूसरे मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो एक ही में चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, दूसरे को हम लोग हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। इसी को बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू, क्या बोला जाता है, कॉल बाय वैल्यू। हम लोग यहाँ डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं एक्चुअल पैरामीटर में, और एक्चुअल पैरामीटर को कॉपी बनता है फॉर्मल पैरामीटर में, ठीक है। और चेंजेस हम लोग किस में करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स में हम लोग मॉडिफिकेशन या चेंजेस करेंगे, और वो ओरिजिनल मतलब एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, आया समझ में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू।